गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिपिटेशन इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अब आप लोग बोलोगे गुरु जी हम केमिस्ट्री में प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं ये कहीं उसी से संबंधित तो नहीं है लगभग लगभग वैसे ही है लेकिन ये आपके लैब में नहीं होगा ये कहीं एटमॉस्फेयर में होता है ये प्रेसिपिटेशन ठीक है मेरे प्यारे बच्चों तो प्रेसिपिटेशन क्या है इसको आ, समझने के लिए हमको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जानना जरूरी है बच्चों और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है बच्चों वाटर साइकिल है ना वाटर साइकिल क्या है इट इज द मूवमेंट और ट्रांसफर और रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस इको सिस्टम ठीक है and the components which participate in a uh, water cycle or hydrological cycle may include uh, atmosphere uh, part of litho lithosphere hydrosphere and the living organisms theek hai mere pyare bachcho main thoda sa yahan par halt karna chahunga theek hai क्योंकि हम हल्का सा uh, hydrological cycle को हम समझ लेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा एकदम तस्वीर क्लियर हो जाएगा कि ये precipitation क्या होता है जो कि असल में हमारे आज के टॉपिक का मेन जो आज के लेक्चर हमारे आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है है ना कि व्हाट व्हाट इज प्रेसिपिटेशन एंड आर इट्स अ डिफरेंट ठीक है अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों हमको मालूम है हमारे एटमोस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों एच टू ओ के वेपर्स इन सेंस हम बोल सकते हैं कि वाटर इज प्रेजेंट इन अ स्टेट इन एटमोस्फियर ठीक है लेकिन ये एटमोसफियर में पहुंचता कहां से बच्चों, बाय इेशन थ्रू वाटर बॉडीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज एंड बाय ेशन थ्रू द मोइ सरफेस ऑफ अर्थ बाय ईवेपोरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस ऑफ एनिमल्स है ना आप लोग बोलोगे सर हमारे ईवेपोरेशन नहीं होता है तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों दस बारह दिन पानी नहीं पी के देखो फिर पता चल जाएगा कि इवेपोरेशन होता है कि नहीं होता है आप डेसिकेट कर जाओगे हम सिंपल अगर ह्यूमंस का एग्जांपल लेंगे ठीक है उसी तरह से सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स डेसिकेट होते हैं मींस उनके बॉडी सरफेस से इन अ कंटिन्यूस मैनर वाटर इज इवेपोरेटेड ठीक है एंड Uh, last one is uh, by transpiration through general surface of leaves in plants what happens the water enters into atmosphere through these agencies in the form of uh, vapors and in atmosphere they move upwards where they get cooled and because of a very peculiar uh, you know, property of uh, water molecules, and that property is uh, the property of uh, cohesion and adhesion, a condensation occurs. Now, you will ask what is cohesion? Cohesion kya hota bacho? The capability of water molecules to get attached to themselves so as to form a larger structure. Or adhesion kya hota my dear bacho? the capacity of the water molecules to attach to some other structures. And what are those other structures? Some smoke particles, dust particles present in atmosphere. As a result, what happens? but they start condensing. As a result, the size of that water molecule increases and it increases to an extent that it comes under the influence of uh, gravity and they start moving downwards again and reach the earth surface either in water bodies or on the soil that movement of uh, the water molecules uh, or water uh, resulted by कंड ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स हाई इन एटमोसफियर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अब इससे ज्यादा मैं जान बताने का ज्यादा जरूरत नहीं समझता हूं ठीक है मेरे प्यारे बच्चों वंस इट अ रिचिस बैक और फॉल्स बैक ऑन अर्थ सर्फेस और इट एंटर इंटू वाटर बॉडीज फ्रॉम हियर इट इज टेकन अप बाय द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम एंड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंटिन्यूस ठीक है मेरे प्यारे बच्चों तो एक बार फिर से बता देता हूं वट इज प्रेसिपिटेशन हम बोल सकते हैं कि वट इज प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन इज एनी प्रोडक्ट ऑफ अ कंड ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर ठीक है और द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोस्फियर विच मूव हाई इन एटमोसफियर एंड दे कूल डाउन एंड एज अ रिजल्ट दे कंडेंस एंड फॉल बैक अर्थ सरफेस ठीक है अब ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों वो वाटर वेपर्स जो कंडेंस होते हैं और धरती की तरफ वापस आते हैं ठीक है वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है और मैंने एक बात बताया था डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिंट प्रोडक्ट बच्चों रीड करता जाऊंगा बच्चों एक एक, कर, कर बच्चो? एक, एक point है, मुझे समझाने का जरूरत महसूस होगा मैं वहां पर आपको समझा दूंगा इज एनी प्रोडक्ट ऑफेंटमोस्फेयरिक वाटर वेपर्स फॉल डाउन और फॉल टूवर्ड्स अर्थ सरफेस under the effect of gravity, is called precipitation, and it is of different types, which we will discuss in coming slides. drizzle, rain, snow, hail, dew, frost, etc. it occurs when a part of earth's atmosphere, not the whole atmosphere, but because the climatic conditions in different parts of the world are different. इसीलिए क्या कहा है इट अकर्स पार्ट ऑफ अर्थ एटमोस्फियर बिकम द रिलेटिव ह्यूमिडिटी द वाटर वेपर्स कंडेंस एंड प्रेसिपिटेट इन डिफरेंट फॉर्म्स दैट इज आइदर इन लिक्विड फॉर्म फॉर एग्जाम्पल रेन ड्रिजल एक्सेट्रा और इन सॉलिड फॉर्म फॉर एग्जाम्पल स्नो हेल जिसको हम बर्फ या ओलावृष्टि बोलते हैं depending upon the temperature conditions in atmosphere if the atmosphere the higher strata where condensation takes place if the temperature is little good thick little good in that case it comes out in the form of liquid if if it reaches a sub freezing temperature it comes out in the form of O, or it falls down in the form of snow और इफ द टेम्परेचर इज अ एट फ्रीजिंग पॉइंट हाई इन एटमोसफियर वेयर कंडे इज टेक प्लेस द प्रेसिपिटेशन फॉलिंग ऑन टू अर्थ सर्फेस दो द वॉटर फॉलिंग ऑन टू अर्थ सर्फेस इज इन द फॉर्म ऑफ अ ओले है ना बड़े बड़े ओले कभी छोटे छोटे साइज के ओले पड़ते हैं बच्चों जिनको हम हेल्थ बोलते हैं ठीक है मेरे प्यारे बच्चों कंडेंसेशन अकर्स बिकॉज ऑफ द कोहेसिव एंड कोसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कोहेसिव टेंडेंसी का प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ टेंडेंसी टू गेट अटैच ठीक है और एडहेसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया बच्चों हवा में हमको मालूम है धूल के कण होते हैं धुएं के कण होते हैं ठीक है थीके? वो एक सॉलिड पार्टिकल एक न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है ठीक है जिसके चारों तरफ से वाटर मोलिक्यूल अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं जब इनका मास एक डेफिनेट साइज का हो जाता है ठीक है इट कम्स अंडर द ऑफ ग्रेविटी एंड देन इट स्टार्ट मूविंग बैक टू वर्ड सरफेस एंड वी कॉल इट देन प्रेसिपिटेशन ऑफ अ वेरियस टाइप्स हाँ <laughs> उसके लिए हमको क्या जानना जरूरी है बच्चों कि पानी जो है अर्थ सरफेस से वाटर बॉडी के सरफेस से एटमोस्फेयर में कैसे पहुंचता है वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है वाटर एंटर्स इनटू एटमोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स बाई इवेपोरेशन थ्रू जनरल बॉडी सर्फेस ऑफ वाटर बॉडीज मोइस्ट अर्थ एंड एनिमल्स एंड बाई ट्रांसपुरशन थ्रू प्लांट लीफ सर्फेस हाउ एवर द इवेपोरेशन थ्रू वाटर बॉडीज स्मॉलर और लार्जर वाटर बॉडीज कंट्रीब्यूट मोस्ट अब फिर बात करते हैं बच्चों कि, कि और ट्रांसप्रेशन हो गया मेरे सर लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो ये वाटर वेपर्स है ये हाई इन एटमोस्फेयर जाते हैं तो देर आर थ्री डिफरेंट फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोनिक करंट्स कन्वेक्टिव करंट्स एंड ओरोग्राफिक करंट्स ये मैं डिटेल नहीं दूंगा बच्चों ठीक है आप लोग नेट से सर्च मार लेना किताबों में कहीं ढूंढ लेना है ठीक है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स द वाटर वेपर्स मूव हाई इन एटमोस्फियर वेयर दे कूल देन कंडेंस बिकॉज ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स एंड देन फॉल बैक ऑन टू अर्थ सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रेसिपिटेशन टाइप्स एंड इट इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इफ द वाटर molecules in the form of or water in the form of water vapors are not under the influence of uh, uh, gravity. For example we can see the fog mist or smoke in the lower atmospheric region we find them uh, these these suspended in the uh, atmosphere and because they are not under the gravity or under the influence of uh, Earth's gravitational pull, They do not come onto earth surface. They do not fall onto earth surface and thus cannot be included in the precipitation. Or they cannot be called a precipitation. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। uh, Now we will discuss the different types of uh, precipitations. हम एक-एक करके समझ तो गए ही हैं बच्चों। ठीक है, एक-एक करके हम पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले आएगा ड्रिजल ड्रिजल वर्षा का रेन का छोटा भाई होता है बच्चों इफ द प्रेसिपिटेशन फॉलिंग ऑन टू अर्थ सर्फेस इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड इट हैज द द द लिक्विड हैज हैव साइज लेस देन इन दैट केस प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड अ ड्रिजल ठीक है बच्चों कई बार हम देखते हैं बिल्कुल छोटी 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 बूंदे गिरती है बच्चों ठीक है छोटी छोटी बूंदे गिरती है तो वो ड्रिजल कहलाता है और in contrast if the size of uh, this liquid uh, precipitation it uh, has a diameter beyond 0.5 mm the precipitation is called uh, rain a precipitation type is said to be rain if it occurs in the form of uh, liquid drops falling onto our surface having diameter more than 0.5 mm if it is having size less than 0 0.5 mm, it is called drizzle. and if it has a size, diameter, beyond 0 0.5 mm or half mm, it is called rain. and in both cases, the precipitation is in liquid form. whereas if a precipitation type is in the form of aggregate of ice crystals forming flakes, what happens? हम लोग देखते हैं जब बर्फबारी होती है ठीक है अब हम अगला जो टाइप डिस्कस करें ये बर्फ के बारे में है ना स्नो हमको जब बर्फ दिखता है जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं हमको क्या नजर आता है बच्चों ये गोल गोल भी नहीं होता है ये लिक्विड नहीं होता है ये सॉलिड फॉर्म में रहता है और ये फ्लेक्स के रूप में आता है वट एपन्स वेन द टेम्परेचर इन हाई इन एटमोस्फियर गोज डाउन अप टू द सब फ्रीजिंग लेवल ठीक है फ्रीजिंग लेवल में नहीं पहुंचता है लेवल इन स क्रिस्टलाइजेशन अकर्स एंड द क्रिस्टल्स ऑफ अ वाटर और कई बार आप लोगों ने एनिमेशन वगैरह देखते हैं बच्चों बहुत सुंदर सा एक ब्रांच हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नजर आता है वो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो आइस क्रिस्टल्स स्टार्ट एग्रीगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लेक्स ठीक है and that precipitation in solid form is called snow but uh, if the same thing occurs uh, and the but the temperature uh, is reduced to a freezing point uh, at a freezing level uh, what happens miri, bacho, the precipitation falling onto earth's surface is in the form of a uh, ball of ice and that is called hail, and it occurs at a freezing temperature. What happens at this temperature? The ice crystals aggregate to form balls, but having a diameter more than 5 mm. In that case, the precipitation is said to be hail. और हम हिंदी में जब बोलते हैं हम इसको ओला बृष्टि बोलते हैं ना ओले बोलते हैं ठीक है मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से मैं रीड कर लेता हूं अ प्रेसिपिटेशन इज सेट टू बी हेल इफ इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ आइस क्रिस्टल्स बट नॉट फॉर्मिंग द फ्लेक्स बट दे फॉर्म बॉल्स एंड हैविंग अ डायमीटर मोर देन फाइव मिलीमीटर ठीक है और ये होता कब है जब हाई इन एटमोस्फियर

ठीक है उस समय में हम धरती के सरफेस के ऊपर कहीं स्मूथ मेटल ऑब्जेक्ट्स ठीक है स्मूथ प्लास्टर्ड स्ट्रक्चर्स स्पेशली द लीफ सरफेसिस व्हाट वी सी वी कैन सी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट एंड दैट वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड ड्यू ठीक है एक बार मैं रीड कर लेता हूं बच्चों उसके बाद मैं आपको फिर समझाता हूं A precipitation type is said to be a dew if it occurs in the form of water droplets appearing on the surface of objects, especially the plants, plant leaves, during clear winter nights. Jab atmosphere, mein badal honge, tab ye bante clear winter nights mein, when the relative humidity in atmosphere increases to saturation point. ड्यू पॉइंट रिमेन अब ड्यू पॉइंट क्या होता है बच्चों और यह कोई टेम्परेचर नहीं होता है बच्चो ठीक है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट भी हो सकता है इन दैट केस वेपन बच्चो द कंटेंशन ऑफ द वॉटर वेपर अकर ऑन अर्थ सरफेस बाकी केसेस के कॉन्ट्रास्ट में जहां पर कंडेंसेशन हाई इन एटमोस्फेयर होता है जब ओस बनता है ओस हम जिसको बोलते हैं या इंग्लिश में हम ड्यू बोलते हैं इसमें कंडेंसेशन अर्थ सरफेस पे होता है ठीक है ये क्यों होता है एग्जैक्ट हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे हमको सिर्फ यहाँ ये जानना है क्योंकि तो हम इकोलॉजी ही पढ़ रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों कि अर्थ के सरफेस पे कंडेंसेशन होता है स्पेशली ऑन स्मूथ सरफेसिस स्पेशली ऑन प्लांट पार्ट्स एंड स्पेशली ऑन लीव्स ठीक है तो मेरे ख्याल में ड्यू का भी हो गया है ड्यू का पता चल गया है ठीक है अगर सेम चीज होता है सेम फिनल होता है विंटर नाइट्स में वेन द एटमोस्फियर इज क्लियर बट द ड्यू पॉइंट इज बिलो फ्रीजिंग उस समय में हम क्या बोलते हैं बच्चों कि पाला पड़ गया पाला पड़ गया जी ठीक है और जो वो पाला होता है वो ड्यू का ही भाई है और वो सॉलिड फॉर्म में हमको नजर आता है ठीक है सो वट इज अ प्रेसिपिटेशन टाइप इज सेट टू बी फ्रोस्ट इफ इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ दाइन्यूट आइस नीडल्स द वाटर मोलिक्यूल्स क्रिस्टलाइज इन सच अ मैनर सच अ वे डेट दे मेक आइस नीडल्स याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं ना कि हो कुछ पौधे बाहर रह गए उनको ढक दो नहीं तो पाला पड़ेगा पाला पड़ेगा का मतलब रिजल्ट क्या होता है कि उनमें इंजुरी आ जाता है कहीं है ना हमने नोटिस किया है और प्लांट में खत्म हो जाते हैं <laughs> वो इंजुरी इन आइस नीडल्स की वजह से होता है बच्चों द आइस क्रिस्टल्स द क्रिस्टल्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ नीडल्स दे काउस इंजुरी टू द एक्सपोज प्लांट पार्ट्स So, a precipitation type is said to be a frost if it occurs in the form of minute ice needles appearing on the surface of objects, same case as that of dew, especially plant parts and especially leaves during clear winter nights when the relative humidity reaches saturation point or 100% relative humidity, and dew point reaches below freezing point.

फ्रॉस्ट के रूप में होगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों और एक लास्ट वन है लास्ट प्रेसिपिटेशन टाइप इज मिक्स्ड कई बार हम क्या देखते हैं बच्चों कि बारिश और रेन और स्नो दोनों एक साथ धरती के ऊपर गिरते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर गिरते हैं कई बार रेन और हेल दोनों एक साथ अर्थ सरफेस के ऊपर गिरते हैं तो उस तरह का प्रेसिपिटेशन टाइप रहेगा मिक्स्ड प्रेसिपिटेशन टाइप

अगर तुम पढ़ने को मौज समझते हो तो मैं जरूर बोलूंगा बच्चों मौज करो सुरक्षित रहो हैव है नाइस डे